हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी थायराइड के बारे में। एक्चुअली मैंने थायराइड के ऊपर ही बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, और उसमें वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं या समझाई हैं जिनको सुनकर या देखकर आप लोगों को वाकई में ये एहसास हुआ कि थायराइड की मेडिसिन अगर हम लॉन्ग लाइफ खाते रहते हैं तो ये कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड एक प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो थायराइड टेस्ट है, यानी कि आपका जो नॉर्मल आप थायराइड टेस्ट कराते हैं T3 T4 एंड TSH का, वो इरेगुलर यानी नॉर्मल नहीं आया है, तो इस वजह से आपको ये मेडिसिन दी गई है। लेकिन होता क्या है, इंडिया के अंदर जनरली जो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और फंक्शनल डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर ना के बराबर हैं। अब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो होते हैं जिनको आप अपनी थायराइड रिपोर्ट दिखाते हैं और वो आपको थायरोक्सिन, थायरोनोम या इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो रेगुलरली देते हैं। लेकिन जो फंक्शनल डॉक्टर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके रूट कॉज पे काम करते हैं, आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम पे काम करते हैं कि आपको क्या ऐसी बात हुई है जिसके कारण आपका ये जो प्रोफाइल टेस्ट है ये सही नहीं आया। तो ये डिफरेंस होता है, और उसके रूट कॉज पे काम करते ही ये जो थायराइड होता है ये ट्रीटेबल होता है, पूरी तरीके से रिवर्सिबल होता है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। लेकिन ये इंडिया के अंदर जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फंक्शनल डॉक्टर्स नहीं हैं। तो इसी वजह से मैंने जो जितनी भी मैंने गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें है TSH इज हाई मीन्स और थायराइड इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉब्लम, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप मेरे जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं कि कितने अच्छे वीडियोस हैं, वो काफ़ी आप लोगों को मुझे काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट मिला है मुझे, और मोटिवेशन तो इतना ज़्यादा मिला है कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए रख रहे हुए हैं कि मुझे बनाने हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी जो कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को पता नहीं चलता कि मैं क्या आंसर दूँ, या मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं अब आप लोगों को कैसे समझाऊँ, क्योंकि हर हफ्ते मैं वीकली कमेंट्स में इस तरह के आंसर्स आपको देती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके किसी नियर वन डियर वन या खुद आपको भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन इज दैट, ये पूछा है सुखनम कौर, हेलो मैम, आई एम टेकिंग थायरोक्सिन मेडिसिन फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स, कैन आई लीव द मेडिसिन एज ऑफ सडन, वॉट शुड आई डू, इन द प्रीवियस ऑफ जून आई हैड TSH 21, माई रिपोर्ट डॉक्टर सेड, अच्छा इन माई रिपोर्ट डॉक्टर सेड यू शुड टेक 100 MCG फॉर अ मंथ एंड देन टेक आफ्टर अ मंथ एंड इन द जुलाई टेस्ट माई TSH इज 7 नाउ, आई एम रेगुलर ऑन 100 MCG, और इन्होंने बोला है शुड आई ड्रॉप द मेडिसिन और लेस द क्वांटिटी ऑफ MCG, व्हाट टू डू। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। इनका जो TSH था वो था इनका 21 जून में, जब इनको डॉक्टर ने इनको 100 MCG की टैबलेट जो है वो खाने के लिए दी, और उसके बाद उनको बोला कि इनका जो टेस्ट रिपोर्ट जो आई वो जुलाई में वो 7 आ गया इनका TSH, और अब ये रेगुलर 100 MCG की टैबलेट खा रही है। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और ये वीडियो आपके बहुत काम का है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो देखिए, हमारी जो रिपोर्ट आती है उसमें तीन चीज़ें आप लोग टेस्ट करवाते हैं, T3, T4 एंड TSH। TSH जो होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है हमारा, जहाँ से TSH का सिक्रीशन होता है, और ये एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारे सीधा थायराइड ग्लैंड के पास आता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन करता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। अगर यहाँ पर इसको आयोडीन नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये T3 और T4 का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं करेगा। अब ये T3 और T4 हार्मोन ये होते हैं, T4 हार्मोन बनता है 80% आपके थायराइड ग्लैंड से और T3 बनता है केवल 20%। लेकिन आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो T3 हार्मोन होता है एक्चुअली में यही एक मास्टर और स्टार हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो कि आपके बॉडी के सारे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका बॉडी टेम्परेचर है, आपका हार्ट रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मेजर फंक्शन, जो ये समझिए कि थायराइड के अगर किसी को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है और उसके जो सिम्टम्स जितने भी हैं, चाहे वो उसकी ड्राई स्किन को लेकर हो, हेयर फॉल को लेकर हो, आईसाइट को लेकर हो, या फिर उसके बॉडी टेम्परेचर को लेकर हो, उसके मूड स्विंग्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर जो प्रॉब्लम होती है वो तभी होती है जब आपका T3 हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कम बन रहा हो तब। अब क्या होता है,
बाकी का T3 हार्मोन कहाँ से मिलेगा जब केवल 20% ही आपको आपके थायराइड ग्लैंड से मिला। तो अब होता क्या है इसमें कि जो आपका T4 हार्मोन है वो आपके जाता है लिवर में और लिवर उसको T3 में कन्वर्ट करता है। मींस आपका लिवर जो होता है एक ऐसा ऑर्गेन होता है आपकी बॉडी के अंदर जो पता नहीं कितने फंक्शंस को ऑपरेट करता है, और हम इस लिवर का ही ध्यान नहीं रखते, अनाप शनाप खाते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब कुछ भी खा लिया। आपका लिवर इस हालत में है या नहीं है कि आपको वो पूरी तरह, और लिवर का काम होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बहुत सारे काम होते हैं। इसी वजह से आजकल जो है फैटी लिवर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आपका लिवर होता है उसके सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है T4 को T3 में कन्वर्ट करना। अब अगर आपका लिवर प्रॉपर ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, तब तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट इजीली कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर T3 जो स्टार हार्मोन होता है इसकी कभी डिफिशियंसी नहीं होगी, तो आपका TSH भी हाई नहीं जाएगा। होता यह है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आपके ब्लड में T3 हार्मोन कम बनता है तो आपकी जो ब्लड होता है वो मैसेज पहुंचाता है आपके मास्टर ग्लैंड के पास कि आपकी बॉडी में T3 हार्मोन कम बन रहा है, TSH को बढ़ा दो। तो जब TSH हार्मोन बढ़ने लगता है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, वो तो वैसे का वैसे ही है, तो फिर आपका क्या होगा, अगेन एंड अगेन आपका TSH इतना इंक्रीज हो जाता है, कुछ लोगों का TSH जो होता है वो 100 को भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन अब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अच्छा आपकी बॉडी में T3 हार्मोन कम बन रहा है, ठीक है, आपको T3 हार्मोन्स का जो सिंथेटिक होता है वो आपको दे दिया जाता है, जो और कहा भी जाता है कि कई बार कि आप इसको जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी थायराइड की मेडिसिन। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने मेडिसिन खाई, आपकी बॉडी के अंदर T3 लेवल बढ़ा, आपका TSH ऑटोमेटिकली कम हो गया और आप खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि मेरी बॉडी के अंदर TSH जो है वो नॉर्मल आ गया, मेरा थायराइड ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही आप T3 हार्मोन को, जो सिंथेटिक हार्मोन जो सुबह सुबह आप छोटी टैबलेट खाते हैं उसको खाना बंद करेंगे, अगेन आपका TSH हाई हो जाएगा। तो इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने क्या बोला कि मेरा जो TSH था वो 21 था, इन्होंने 100 mcg की टैबलेट ली, इनका अगले ही महीने TSH जो है वो 7 हो गया। अब ये रेगुलर उस पर हैं 100 mcg के, तो अब क्या होगा, अब इनको जब ये 100 mcg खाना छोड़ेंगी अगेन इनका TSH बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार होता है कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आप ही के ग्लैंड के ऊपर अटैक करते हैं, और खाली ग्लैंड के ऊपर ही अटैक नहीं करते हैं, आपके जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे आपका जो सोल्जर्स होते हैं आपकी बॉडी के, कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं आपकी बॉडी को। लेकिन अगर आपके एंटीबॉडीज ही आपके ऊपर अटैक करने लग जाए तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। तो अगर आपके थायराइड ग्लैंड पे अटैक करते हैं तो इसको डैमेज करने का काम करते हैं, तो यहीं से आपका T3 T4 नहीं बनता, चाहे आपका TSH कितना भी आए, तो ये प्रॉब्लम आपके थायराइड ग्लैंड के साथ भी हो सकती है। उसके लिए आपको एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाना चाहिए, अगर आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है रिवर्स T3, यानी कि आपका लिवर T4 हार्मोन को T3 में रिवर्स कर पा रहा है या नहीं, कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं, तो ये रिवर्स T3 का टेस्ट होता है, RT3 टेस्ट इसको बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है दैट मीन्स आपके लिवर में प्रॉब्लम है, आपका लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये टेस्ट नहीं भी करवाना चाहते तो एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई ज़रूर कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने लिवर के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, लिवर को मतलब खाना जो है आप सात्विक हल्का खाना खाना शुरू कर देंगे, और साथ साथ आजकल आप देखते हैं बहुत सारे डिटॉक्स वाटर बनने लगे हैं, मैंने भी डिटॉक्स वाटर की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, और सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, आने वाले टाइम पर भी मैं आप लोगों को ऐसी रेसिपीज डालती रहूँगी। और लिवर के लिए जो होता है मैंने एक वीडियो बनाया है लिवर को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हालांकि मैंने उसमें अपना मॉर्निंग रूटीन ही बताया है, लेकिन उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो इस चैनल पर नहीं है, वो दूसरे चैनल के ऊपर है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं जो कि आपकी शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं वही मैं अपलोड करूँगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, क्योंकि वो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये तो बात हुई आपकी टीएसएच रिपोर्ट की, लेकिन कई बार क्या होता है लोग बग इतने मिसगाइड होते हैं, आगे आने वाले टाइम पे भी आप देखेंगे वही आप लोग लिखेंगे माय T3 एंड T4 इन दिस एंड माय TSH इज दिस, व्हाट कैन आई डू। तो लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक और कहना चाहती हूँ कि खाली आपका जो होता है फूड इनटेक या फिर आपकी बॉडी का स्लगिश हो जाना या फिर आपके लीवर का स्लगिश हो जाना, टॉक्सिनेटेड हो जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा स्ट्रेस इतना ज़्यादा हम पे हावी हो जाता है कि हम उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते। तो हमारा होता क्या है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो मास्टर ग्लैंड होता है, जो कि जितने भी हमारे नीचे बॉडी के अंदर ग्लैंड होते हैं उन सबको सिग्नल भेजता है, लेकिन अगर वो ही नहीं काम करेगा ठीक से तो हमारा पूरी बॉडी का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जो मैंने ये दूसरा चैनल जो स्टार्ट किया है, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इस चैनल पर मैं बात करती हूँ सिर्फ थायराइड के बारे में या फिर सप्लीमेंट्स के बारे में, जो उनका रिव्यू करती हूँ कई बार में, जो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कैल्शियम का अभी आपको लोग थोड़े दिन पहले मैंने एक सप्लीमेंट का बताया था कि आप लोगों को ज़्यादातर थायराइड में क्या होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो लोग बाग कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो कैल्शियम का सप्लीमेंट आपका प्लांट बेस्ड है या सॉल्ट बेस्ड है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, हालांकि आपने उस वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन इतना काम का वीडियो है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर ओवर एज हो जाने के बाद, एक टाइम के बाद, और साथ स्पेशली जब मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है तब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो होता है वो उस समय बहुत डाउन जाता है, तो उस समय पे आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और कौन से कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए ये आप उस वीडियो में ज़रूर देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट, वो आपको मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको डाल दूंगी, वो आप देखना। इसके बाद जो आता है दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा तो मैं उसी चैनल पे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो घर में ही किसी काम को करती हो, किसी वर्क को घर में ही करना चाहती हो या करती हो, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस हैं जो कि मैं आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें डालूंगी, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस है ना तो आप चाहे अच्छा खाना खा लीजिए, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो काम नहीं करता। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, एकदम डिफरेंट टॉपिक है, आप कहोगे कि इस वीडियो में ये मैं क्या बात कर रही हूँ, वो होता है हमारा वास्तु। अगर आपको पता है जो बहुत ही एक्सपर्ट वास्तु एडवाइज़र होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपके अंदर आपके शरीर के अंदर अगर आप कोई भी बीमारी है तो वो उस बीमारी के अकॉर्डिंग आपको ये बता सकते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष ये है, इस वजह से आपको ये बीमारी है। जैसे मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है उस चैनल पे, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जैसे हम में से कई लोग होते हैं जो नॉर्थ की डायरेक्शन में सर करके सोते हैं, अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए वास्तु कोई ढकोसला नहीं है, वास्तु कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो वास्तु इसमें अकॉर्डिंग होता क्या है कि नॉर्थ टू साउथ जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, और अगर हम अपना सर नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे सर के ऊपर अंदर से पास होके हमारी पूरी बॉडी के अंदर से पास होके निकल जाती हैं हमारे पैरों के थ्रू। तो जानते हो वो क्या क्या लेकर जाती हैं, आपके सारे शरीर आपकी जितनी शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है ना, कई बार ऐसा होता है हम सुबह को सो के उठते हैं लेकिन थके हुए होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है वो काफ़ी थका हुआ होता है, हम परेशान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कई बार आपके वास्तु जो होता है आपके घर का वो सही नहीं होता। तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं अब डालने शुरू कर रही हूँ उस चैनल पे, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी कई बीमारियों की जड़ जो है वो आपके घर का वास्तु भी हो सकता है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो अपकमिंग वीडियोस मेरे उस चैनल पर डलेंगे तो उसके लिए आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस मिल जाएं। तो उम्मीद है आपको थायराइड की जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आज दी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी रिसर्च जो है ये गूगल के ऊपर है, आप इसको देख सकते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को ये बोलती हूँ कि आप बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं उल्टा सीधा कि आप कहते हो लोगों को कि आप मेडिसिन मत खाओ, आप थायरोक्सिन मत खाओ, आप थायरोनॉम मत खाओ, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप, मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ, काम तो खुद आप ही को करना है, मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती, ना ही मैं किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर के खिलाफ हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वही डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत काम आते हैं,
लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी जरूर कि हाँ आप एक बार अपनी, अगर आपको थायराइड है या कोई भी बीमारी है, आप उस चीज़ को एक बार समझिए जरूर, उस चीज़ के रूट कॉज पे आप एक बार समझिए कि क्या कारण है जो मुझे ये बीमारी हुई, ना कि अच्छा मुझे ये बीमारी हुई तो आप मेडिसिन खाने लग जाएंगे। तो बातें तो फिर ये बहुत सारी हो जाएंगी, तो फिर मैं आप ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।